çok romandayım. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है 15वां रोज़ा और आज मैंने सहरी भी की है सवेरे उठकर। आज मैंने मक्खन, देसी घी और सालन चाय इसमें के साथ सहरी की थी। और आज आपको जिससे पहले जो आपने क्लिप देखे थे उसमें सुबह का मंज़र था। हाँ, अभी सूरज नहीं निकला था, नमाज़ पढ़ के जब मैंने खूबसूरत सी आवाज़ सुनी परिंदे की तो फिर मैं बाहर निकल आया। बहुत ही स्वीट किस्म की आवाज़ थी उस परिंदे की, बहुत ही खूबसूरत किस्म का मंज़र था मैं देख रहा था। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को भी दिखाता चलूँ। बहुत ही पुरसकून किस्म का माहौल था। आज है 15 रोज़ा। अभी बेटा मेरे साथ खेल रहा था यहीं छत के ऊपर, ये जो हमारा सेकंड फ्लोर है। अभी वो चला गया है नीचे, सोएगा इंशाल्लाह। अभी इस वक्त दोपहर के 11 बज चुके हैं। मैं आज सोता रहा, अभी उठा हूँ, अभी फिर सोने के लिए जाऊँगा। तो हैव ए नाइस 15th फास्ट। रमज़ान मुबारक, सबको मुबारक हो। आज 15 रोज़ा है, आज जो है रमज़ान का 15वां रोज़ा है। मेरा बेटा जो है नीचे चला गया है, मैं उसको जाकर देखता हूँ। प्रेप ऑफ द वे चिशा के लगे है दल राजे राजे मत रस राजे। अपने बेटे को उसकी वाला के पास मैंने पहुंचा दिया है। वो नीचे सोते हैं, मैं यहाँ ऊपर कमरे में रेस्ट करता हूँ जब हमारी छुट्टी होती है। आज बहुत ही तेज़ धूप है। आज 15 रोज़ा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी 15 रोज़ा है। और आप सबको इस दुआ के साथ कि आज आपका रोज़ा जो है वो आमाल में गुज़रे, अल्लाह पाक के हुजूर आपकी इबादत कबूल हों आप सब की। और ये रमज़ान शरीफ, रमज़ान मुबारक हम सब के लिए, हम सब मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह पाक ये बरकत का महीना बनाए और अल्लाह पाक जो है हमें बीमारियों से निजात दे, खुशियाँ अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जिनके औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे फ्रेंड्स, और जिनके मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उनके मुश्किलें हल कर दे, आसानियाँ पैदा फरमाए। और ये अमन का बायस बने हम सब के लिए, बरकतों का महीना है, लेकिन हम इससे कितना फैज़ हासिल कर सकते हैं ये हमारे अमाल पर डिपेंड करता है। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान समझने की तौफीक अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा रोज़ा है 15 रोज़ा, आज मैंने रेस्ट बहुत ज़्यादा किया है। सुबह सहरी के लिए मैं उठा, मैंने अब बताया था आपको, मैंने मक्खन, देसी घी, चाय भी थी, थोड़ा सा सालन भी था, ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने सहरी में खाया था। फिर मैं आके सो गया था, फिर नमाज के लिए उठा, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी सुबह की, फिर मैंने आपको वो खूबसूरत सा वो चिड़िया की जो आवाज़ थी वो सुबह सुबह आ जाती है यहाँ पे
ये नमाज़ के वक्त आती है, सुबह का जब नमाज होती है ना तो वो छत के ऊपर बैठी होती है, उसकी बहुत ही स्वीट सी आवाज़ है। वो मैंने आपको, आप लोगों ने उसको शुरू के जो वीडियो के शुरू में आपने उसकी आवाज़ सुनी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एहसास होता है। मैंने उसको सुना, बहुत मज़ा आया, फिर मैंने तिलावत की, फिर मैं सो गया। आज मैं सोता रहा क्योंकि आज छुट्टी है मेरी, और उसके बाद ये तकरीबन 10 बजे मैं उठा, मेरा बेटा आ गया, थोड़ा उसके साथ मैंने गपशप लगाई, खेला उसके साथ, फिर जब वो थक गया अपनी वालदा के पास चला गया सोने के लिए। अभी ये है कि मेरी प्लानिंग ये है कि अभी मैं थोड़ा सा फिर थोड़े वक्त के बाद इंशाल्लाह मैं रेस्ट करने के लिए फिर सो जाऊंगा, फिर जोहर की नमाज़ के लिए उठूँगा इंशाल्लाह। हाँ, आज सुबह मैंने तिलावत भी की थी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने तिलावत की, फिर मैं सो गया था। बड़े अच्छे ख्वाब मैंने आज देखे थे, बहुत मज़ा आया। तो अभी फ्रेंड्स, मेरा ये इरादा है, थोड़ा सा बैठता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ काम वगैरह, उसके बाद फिर सो जाऊँगा, फिर जोहर की नमाज़ के लिए उठूँगा, फिर तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। और भी चीज़ें आप आज को दिखाएँगे, आज आपको और भी चीज़ें दिखाएँगे, सो प्लीज़ स्टे विद अस फ्रेंड्स। अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी मुझे मैसेज आया है, और अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं जो ट्रांसफ़र के लिए जो मैं ट्राई कर रहा था, तो अभी मुझे मैसेज आ गया है कि आपके ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो अभी मैं कुछ देर पहले सो रहा था, जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया तो व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया था, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी खुशी जो है शेयर कर दूँ। अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुए होंगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और मेरे पास ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है खुशी बयान करने के लिए, आप मेरे चेहरे पे आपको मेरी खुशी नज़र आ रही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे बड़ा मसला होता था। हम यहाँ से जाते थे कुलाची से मड्डी, तकरीबन वो 14 किलोमीटर के फासले पर है, और 1-2 किलोमीटर जो है वो कच्ची सड़क है, डाइवर्शन है, बारिश के दिन स्कूल पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए मुझे बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कह रहे हैं कि होने वाले हैं कुलाची में, मेरे अपनी सिटी में, ये स्कूल जो बता रहे हैं बिल्कुल मेरे घर के साथ है, तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। कन्फर्म हो जाएंगी तो फिर मैं आपके साथ उसको ज़रूर आपको बताऊँगा। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ, अभी नींद से उठा हूँ, और ये खुशखबरी मैंने, मुझे इसका जानकर बड़ी खुशी हुई है। और ये कि अभी इंशाल्लाह वुज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उस खुशखबरी जो मैं मुझे व्हाट्सअप की जाएगी उसको फिर मैं देखूंगा और तिलावत करूंगा, फिर आगे आपके साथ बात होगी। स्टे विद मी, थैंक यू। जी फ्रेंड्स, इंशाल्लाह कंफर्म हो चुका है, मेरे जो ट्रांसफ़र है वो अपने तहसील कुलाची में हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी कंफर्म हो चुका है, आज की डेट में मेरे ट्रांसफ़र हुए हैं मड्डी से कुलाची। तो मैं इससे बहुत खुश हूं, और आज है 15 रोज़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैं बड़ी दुआएं कर रहा था, सब घरवाली भी कर रहे थे कि मेरा जो ट्रांसफ़र है वो कुलाची हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुलाची में हो चुकी हैं, तो आज मैं बहुत खुश हूं, और मैं ये अपनी खुशी आप सबको भी बता रहा हूँ। इस वक्त फ्रेंड्स तकरीबन 6:30 बजे का वक्त है, मेरे ख्याल में 6:36 है, और अफ्तारी में तकरीबन 6-7 मिनट रहते हैं। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद 15 रोज़े की हम रमज़ान की तारीख, आज 15 है, कल 16 है, तो आज इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम अफ्तारी के वक्त 15 रोज़ा जो है अफ्तार करेंगे। तो नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक आपके काम भी बना दे जिस तरह मेरा हुआ है, इसके लिए मैं बड़े दुआएं कर रहा था, तो आज मैं खुश भी हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये कबूतर उड़ रहे थे, मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखाना चाहता था, अभी बैठ गए हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इनका मामूल होता है, अक्सर ये असर के वक्त जो है उड़ते हैं, उड़ान का वक्त होता है, तो इस वक्त तकरीबन ये अभी बैठ गए हैं। ये हमारे जो कज़न है ना, असर के वक्त उसको उड़ाते हैं, तो मगरब से पहले पहले फिर ये बैठ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा होता है। इस साइड वाले शायद अभी भी उड़ रहे हैं, आपको वो दिखा दें, ये देखें, वहाँ आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे।
ये फिर आ रहे हैं या अभी उड़ रहे हैं, असर के वक्त इनको उड़ाया जाता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये नज़ारा होता है। तो कबूतर जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परिंदा है, ख़ूबसूरत भी है और लोग उसको घर में पालते हैं, इसका अच्छी तरह ख्याल रखते हैं, फिर ये उड़ते हैं, आज़ाद जानवर हैं। तो यहाँ हमारे शहर में इनको बड़ा पसंद किया जाता है, कबूतर उड़ाते हैं, सुबह को भी उड़ाते हैं, सुबह के वक्त में भी, असर के वक्त में भी, और ये आप देख सकते हैं कि आज़ादी से ये उड़ रहे हैं। इनका बड़ा ये ज़बरदस्त किस्म का ये व्यू होता है उड़ाने का, ये देखें, इसके पीछे सीटी बजाई जाती है और एक झंडी इनके हाथ में होती है, वो लहराते हैं, फिर ये उड़ते हैं। और इनको बिठाने का, वापस लाने का भी इनका अपना एक तरीक़ाकार है, जो लोग कबूतर रखते हैं उनको पता होता है। अब मेरे ख्याल में बैठ गए हैं, तो उम्मीद है फ्रेंड्स, फिर वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल जो है एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।